प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। अब बात आती है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, शैला जैसे अवेसी, जो अपने शपथ समारोह में, लोकतंत्र के मंदिर में, हमारे पार्लियामेंट में अपने ही शपथ को लेते वक्त फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, और आज जब उनसे मीडिया पूछती है कि आपने बांग्लादेश पर एक ट्वीट भी नहीं किया और आपने तो बांग्लादेश हमारा लेना देना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या लेना देना है। तो भैया आपका फलस्तीन से कुछ लेना देना है क्या? आपका पाकिस्तान से कुछ लेना देना है? खैर पाकिस्तान से तो अवेसी का लेना देना है क्योंकि वो रजाकार के फौज का है, वो असीम रिजवी का चेला है असदुद्दीन अवेसी। तो ऐसी अभद्र टिप्पणियां जहां पर आप हमास और फलस्तीन के बारे में लोकतंत्र के मंदिर में बात कर रहे हैं, शपथ समारोह में जिंदाबाद कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, पर वहीं पर बांग्लादेश के अहमदिया मुसलमानों के लिए हलक से बोली नहीं निकल रही है, और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो खैर नफरत ही निकल रही है, कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है। अब आती है बात, शैला मुझे बोलना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी, गांधी परिवार के आखिरी चश्मचिराग, हमारे लोकतंत्र के मंदिर में संसद के पटल पर नेता प्रतिपक्ष एक संविधान। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शैला खान को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया लाई खान जी, जिसमें ये दोनों बात करेंगी भारत से लेकर पाकिस्तान पे और खासकर बांग्लादेश में जो हिंदू पे अत्याचार हो रहा है उस पे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको इसी लेटेस्ट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। जैसे आपके पाकिस्तानी चैनल्स हैं, जैसे बीबीसी वर्ल्ड न्यूज है, ये कुछ ऐसे मीडिया हैं जो हमेशा से भारत में किस मुसलमान के साथ क्या हो रहा है उसको तो बड़े बड़े हरफों में ऐसे छापेंगे जैसे लगता है कि पूरे मुसलमान का गला ही रेत दिया गया है। लेकिन जब बांग्लादेश में 300 से ऊपर हिंदूज मर गए, तकरीबन 23-24 हमारी हिंदू बहनों का बलात्कार हो गया, 4 से 5 हिंदू मंदिरों को जला दिया गया, आइस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया गया, और 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना था तो ये वही आइस्कॉन टेम्पल था जो उस वक्त जो रिफ्यूजीज रह रहे थे, उस वक्त जो बहुत परेशान थे, जिनकी माली हालत बिल्कुल सही नहीं थी बांग्लादेश में, उनको वो खाना तक घर पर पहुंचाते थे और उसको भी उन्होंने जला दिया। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने नहीं देखा कि अल जजीरा पर कोई हेडलाइन आया है या बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर कोई हेडलाइन आया है। बहुत आश्चर्य वाली बात है और बड़ा बुरा भी लगता है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड वाला पत्रकारिता और ऐसी मीडिया चलाने का फायदा क्या है जहां पर आप सच नहीं दिखाते हो और किसी छोटी सी घटना को बहुत बड़ा करके और बड़े बड़े हरफों में दिखाते हो। अब बात आती है कि हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, शैला जैसे अवेसी, जो अपने शपथ समारोह में, लोकतंत्र के मंदिर में, हमारे पार्लियामेंट में अपने ही शपथ को लेते वक्त फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे, और आज जब उनसे मीडिया पूछती है कि आपने बांग्लादेश पर एक ट्वीट भी नहीं किया और आपने तो बांग्लादेश हमारा लेना देना नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारा क्या लेना देना है। तो भैया आपका फलस्तीन से कुछ लेना देना है क्या? आपका पाकिस्तान से कुछ लेना देना है? खैर पाकिस्तान से तो अवेसी का लेना देना है क्योंकि वो रजाकार के फौज का है, वो असीम रिजवी का चेला है असदुद्दीन अवेसी। तो ऐसी अभद्र टिप्पणियां जहां पर आप हमास और फलस्तीन के बारे में लोकतंत्र के मंदिर में बात कर रहे हैं, शपथ समारोह में जिंदाबाद कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, पर वहीं पर बांग्लादेश के अहमदिया मुसलमानों के लिए हलक से बोली नहीं निकल रही है, और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए तो खैर नफरत ही निकल रही है, कुछ अच्छा नहीं निकल रहा है। अब आती है बात, शैला मुझे बोलना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी, गांधी परिवार के आखिरी चश्मचिराग, हमारे लोकतंत्र के मंदिर में संसद के पटल पर नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक ऑरा रखते हुए, एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल पद रखते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं और हिंदू नफरती होते हैं, और बांग्लादेश के मुसलमानों ने
दाढ़ी और टोपी के साथ और सूरमे के साथ और उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते के साथ ये बता दिया पूरी दुनिया, सिर्फ राहुल गांधी को नहीं पूरी दुनिया को बता दिया कि कौन सा मजहब नफरती। हालांकि शाला ये बात समझने की बहुत जरूरत है और इसको डीप डाउन समझिए कि बांग्लादेश में संविधान भी था, बांग्लादेश में कानून भी था, बांग्लादेश में न्यायपालिका भी था और शेख हसीना अपने बांग्लादेश को उसी तरीके से चला रही थी जिस हिसाब से संवैधानिक तरीके से एक देश चलाया जाता है। लेकिन ये जैसे ही सो कॉल्ड जिहादी स्टूडेंट प्रोटेस्ट लेकर के निकले आर्मी जैसे समझिए कि बुत बन करके और चूड़ियां पहनकर खड़ी थी और उनके सामने हिंदू की बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा था, पुलिस ऑफिसर्स रोड पर खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे मानो जैसे यूनिफॉर्म में हिजड़े खड़े हों और तालियां बजा करके पैसे ले लेंगे किसी से भी। और संविधान, संविधान तो खैर मुसलमान कहीं का भी नहीं मानता है, आप इसे बिल्कुल भी इत्तफाक रखिएगा जो मैं अभी बात कहने जा रही हूँ कि क्या आपके पाकिस्तान इस्लामिक देश में देश का संविधान माना जाता है क्या? नहीं माना जाता है। हमारे मुल्क में तो अभी कह रहे हैं कि आइन को लेके आना चाहिए, मतलब वो सिर्फ किताबी हद तक है। और एक चीज में और भी ऐड, क्योंकि हमारे चैनल मुस्लिम भी देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं, सिख भी देखते हैं, ईसाई भी देखते हैं, तो कोई भी रिलीजन दुनिया का हेट नहीं सिखाता है आपको, दूसरे किसी भी रिलीजन का जो है खून करना नहीं सिखाता है। कहीं ना कहीं पे ये जो एक्सट्रीमिज्म है जिसको हम इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का समटाइम नाम देते हैं, ये एक स्पेसिफिक प्रोपोगंडा है जो कि हिंदुओं को कभी लेके देखा जाता है, कभी क्रिश्चियनिटी को लेके देखा जाता है। लेकिन नाजिर जी यहाँ पर एक और चीज़ भी सामने आई है कि बांग्लादेश के मुसलमान ये हिंदुओं से कह रहे हैं जो कि 1.5 करोड़ वहां पर हैं कि आप बांग्लादेश छोड़ के इंडिया चले जाएं, आपका बांग्लादेश में कोई मतलब के हिस्सा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और बांग्लादेश के जो हिंदू जो ढाका में है उनका ये कहना है कि ये हमारे फोर फादर्स की भी जगह है, और उनका ये भी कहना है कि ये कुछ भी मुद्दा होता है या हुकूमतें बदलती हैं, अगर मुगलों का दौर देख लें उसके बाद मुस्लिम हुकूमत देख लें, तो आज आके पिटता सिर्फ हिंदू ही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्यों? देखिए शाला, सबसे पहले ये समझिए कि 2 दिन पहले, मात्र 48 घंटे पहले मोहम्मद यूनुस साहब तो बड़ी दलीलें दे रहे थे कि वो शांत करा देंगे। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़े हुए 1 हफ्ता हो गया पर खून की नदियां, बलात्कार और भगदड़ और जिहादी हरकतें तो अब तक नहीं रुकी। इसका मतलब है कि शेख हसीना से प्रॉब्लम नहीं था, इसका मतलब है कि बांग्लादेश के संविधान से दिक्कत थी, बांग्लादेश के कानून से दिक्कत थी जो शेख हसीना इम्प्लीमेंट करके चल रही थी। और बांग्लादेश में जो जिहादी, कट्टर जिहादी थे, 3 फुटिया और 2 फुटिया जो मौलाना थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छे से इनहेंस कर करके जिहादी एक्टिविटीज नहीं करा रहे थे। और जमायत इस्लामी का जैसे ही उनको सपोर्ट मिला, 3.5 फुटिया मौलाना, 2.5 फुटिया मौलाना और अजीब अजीब से अभद्र शक्ल का मौलाना अपनी अपनी तकरीर से वहां के लोगों को और भी प्रोवोक करता चला गया और बांग्लादेश को आज जिहाद का मैदान बना चुका है। अब ये भी समझना पड़ेगा कि कहां एक तरफ मोहम्मद यूनुस साहब ने ये कह दिया शपथ समारोह में कि अगर मैं शांत नहीं करवा पाया तो मैं अपने ये पद छोड़ दूंगा। तो भैया छोड़ दो, तुम गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रहे हो? तुमको चेयर पे बैठे हुए 48 घंटे हो गए, हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि तुम अमेरिका के पॉकेट के चिलगोदा हो, तुम चाइना के पैसे के चिलगोदा हो, ये तो हम समझ ही रहे हैं, तुम गिरगिट की तरह अब रंग क्यों बदल रहे हो? काहे को छुचुंदर की तरह धरती फाड़ करके घुसने की कोशिश कर रहे हो और अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मोहम्मद यूनुस को सिर्फ भारत के लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस को यूएन को अब जवाब देना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस को अब इंटरनेशनल कोर्ट को जवाब देना पड़ेगा, मोहम्मद यूनुस को अब सऊदी अरबिया को जवाब देना पड़ेगा। और 1.3 करोड़ के हिंदू की आबादी के डेटा को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो कमेटी का संगठन किया है उस कमेटी को भी जवाब देना पड़ेगा मोहम्मद यूनुस को कि 48 घंटे से आप ऐसा कौन सा जश्न मना रहे हैं और आप ऐसा कौन सी अय्याशी कर रहे हैं जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में बांग्लादेश को शांत कराने का, जिहादी हरकतों को रोकने का काम था और आप अपने आप को जश्न में मुब्तिला करके रखे हुए हैं? ये तो समझना पड़ेगा ना। द सेकेंड थिंग इज शैला कि मैं भारत के रहने वाले माइनॉरिटीज को भी माइनॉरिटीज नहीं मानती।
अब लोगों को इसमें बड़ी मिर्ची लगेगी कि नाजिया खुद मुसलमान है और नाजिया ऐसी बात कर रही है। मैं उस मुसलमान घर से आती हूँ जिसके बाप दादा ने अपने खून को बहाए हैं भारत को अंग्रेजों से आजाद करने में। मैं उस ब्लड से नहीं आ रही हूँ जिसके बाप दादा ने विभाजन में सपोर्ट किया था, अबू कलाम आजाद का विभाजन में सपोर्ट किया था, जिन्ना का विभाजन में सपोर्ट किया था, लियाकत का, और नेहरू की चमचागिरी और ब्रिटिश की चमचागिरी करके अपनी जिंदगी को लैविश बनाया था। आज हमारे भारत में हजारों हजारों मुस्लिम समाज के, मुस्लिम मजहब के ठेकेदार बन करके बैठे हुए हैं। इन्हीं के बाप दादाओं जो हमारे साथ बैठ चैनल पर बैठ करके हमें बेइज्जत करने की भी कोशिश करते हैं, और जाहिल झपट जिसको जिसको दो लाइन अंग्रेजी नहीं आती, जिसको अच्छी कलेश उर्दू नहीं आती है, जिसको अरबी समझ में नहीं आती है, वो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहता है, चार लाइन अरबी में बात कर दो तो जवाब नहीं दे पाता है। इसी के ऐसे ही लोगों के बाप दादाओं ने इस देश का विभाजन किया था, और इसकी और इसी यही एक बहुत बड़ी वजह है कि मैं भारत के 15 करोड़ मुसलमानों को माइनॉरिटी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह शैला खान और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे आपने देखा भारत की बेटी नाजिया लाई खान जी ने कैसे बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया, और हमें भी साथ मिलकर अपने बांग्लादेशी हिंदू भाई बहनों को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसके बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।